बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर 8th लेक्चर ऑफ साइंस फॉर क्लास 6। चैप्टर है हमारा एनर्जी रिसोर्सेज, यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कैसे बर्न होता है, इसे एनर्जी कैसे मिलती है, पेज नंबर बेटा 36 पर देखें। We depend on fossil fuel to provide us with energy to heat our homes, cooking, our food, power our factories, generate electricity and run our motor vehicles। इन सब के लिए हमें fossil fuel की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ से हमें energy मिलती है, खाना बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ में जो है और गाड़ियाँ चलाने के लिए, इन सब के लिए हमें फॉसिल फ्यूल की एनर्जी की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से बर्निंग फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट कॉज एयर पॉल्यूशन। ये जहरीली चीज़ें या नुकसानदेह चीज़ें पैदा करती हैं जो एयर पॉल्यूशन का सबब बनती हैं फॉसिल फ्यूल। टू सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये इंतहाई डेंजरस चीजें हैं दो इसकी, एयर एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले एसिड रेन पढ़ते हैं। एसिड रेन क्या होता है? ऑल रेन वाटर कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। जितना भी हम बारिश से पानी आता है ना, क्योंकि ये जो हवाएं जो है या एयर के अंदर कुछ पॉल्यूटेंट्स रह जाते हैं, वो जब पानी के साथ शामिल हो जाती हैं तो एसिड रेन बनती है, बहुत कम क्वांटिटी होती है। रेन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रेन डिजॉल्व कर लेती है, मेकिंग कार्बन कार्बोनिक एसिड बना देती है। हाउएवर अदर गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज सच एज कोल फायर्ड पावर स्टेशन, कोयले से जो बिजली बनती है ना, उससे वहाँ से कॉज रेन टू बी मोर एसिडिक। वो जो है ज़्यादा एसिडिक रेन होती है, ज़्यादा वो डेंजरस हो सकती है। देखे ना, जंगल के जंगल दरख्तों को ये तबाह कर देती है। दीज गैसेज आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जहरीली होती हैं। वेन दे डिजॉल्व इन वाटर, जब ये पानी के अंदर डिजॉल्व होती हैं, दे फॉर्म सल्फ्यूरस एंड नाइट्रस एसिड रिस्पेक्टिवली। सल्फर डाइऑक्साइड वो सल्फ्यूरस एसिड बनाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस एसिड। दे डैमेज, द डैमेज डन बाय एसिड रेन इज एक्सटेंसिव। तो एसिड रेन से जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा होता है इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। फिश इन लेक्स एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट आर डिकेइंग बिकॉज ऑफ एसिड रेन। बहुत सारे इलाकों में दुनिया में जो दरख्त और जो फिश है वो एसिड रेन की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। एसिड रेन रिलीज पॉइजनस एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल इनटू द वाटर। तो पॉइजनस एल्यूमिनियम जो है वो भी मिट्टी से इसमें शामिल हो रहा है वाटर में। बिल्डिंग्स आर कंबाइनिंग एंड मेटल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग आर क्रम्बलिंग एंड मेटल कंस्ट्रक्शन आर रस्टिंग मेक मच मोर क्विकली बिकॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन की वजह से बिल्डिंग्स वगैरह, ये जंग वगैरह लग रहा है, ये क्रैक्स हो रही हैं, ये भी एसिड रेन की वजह से ही हो रहा है। तो एसिड रेन इंतहाई डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है इन जहरीली गैसों से, खतरनाक गैसों से जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। The earth is surrounded by the air which act like a layer of insulation. Insulation का मतलब है जो हमें warmth से, temperature से बचाती है, वो layers हैं जमीन के, keeping heat in just like the glass in greenhouse. जैसे greenhouse के glass होते हैं ना, इसी तरह वो जो है वो air को या उसकी heat को आने देती हैं। Carbon dioxide is a very good एट कीपिंग हीट इन, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो हीट को इन रखने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को हॉट रखने के लिए बहुत बेहतर है। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जमीन का टेम्परेचर बढ़ा रही है।
इट हैज बीन वेरी यूजफुल इन मेकिंग द अर्थ वार्म एंड फॉर ह्यूमन लाइफ. तो जमीन पर इंसानी जिंदगी के लिए टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है. इट हैज बीन वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग वार्म एंड फॉर ह्यूमन लाइफ. हाउएवर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीजिंग. कार्बन डाइऑक्साइड इंसानों के लिए जरूरी है क्योंकि ये हीट को मेंटेन रखती है, लेकिन हमारी वजह से ज्यादा हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है. इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कॉज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइज. अर्थ का टेम्परेचर राइज हो गया तो ये नुकसानदेह हो रहा है, जमीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. दिस इज ग्लोबल वार्मिंग. इन द लास्ट 100 ईयर्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइजन बाय अराउंड 1 degree सेल्सियस. जो है वो 100 साल में जमीन का टेम्परेचर एवरेज बढ़ चुका है. दिस मे नॉट सीन वेरी मच बट कंटिन्यू टेम्परेचर राइज लाइक इट कॉज. ये ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर कंटिन्यू इसी तरह होता रहेगा तो इससे इफेक्ट क्या होगा. आइस कैप्स ऑन मेल्ट. ये जो पोल्स पर आइस कैप मेल्ट हो जाएंगे जिससे समुद्रों का पानी बढ़ जाएगा, समुद्र के करीब शहर वो डूब जाएंगे. सी लेवल टू राइज. सी लेवल जो है वो बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 37. वेदर पैटर्न टू चेंज. मौसम चेंज हो जाएंगे, जैसे आजकल भी हम फील कर रहे हैं मौसम चेंज हो रहे हैं. मोर फ्लड्स इन लो लेइंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जमीन का जो लो एरिया होगा वहां पर फ्लड ज्यादा हो जाएंगे, बारिशें ज्यादा हो जाएंगी, और जो है समुद्र का पानी ज्यादा होने की वजह से. लार्जर डेजर्ट्स. वो एरिया जो दूर होंगे वहां पर बड़े बड़े डेजर्ट्स बन जाएंगे. मोर ड्राफ्ट्स हो जाएंगे, उन एरिया में बारिशों की कमी, पानी की कमी हो जाएगी. क्रॉप्स विच ग्रो वेल इज सम एरिया टू ग्रो लेस वेल. कुछ एरिया में जहाँ फसलें ज्यादा होती हैं वहाँ फसलें कम हो जाएंगी. द स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज विच लिव इन वार्म एरिया. तो मच्छर वगैरह ज्यादा हो जाएंगे जो वार्म एरिया में रहते हैं. ये बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ये आप लोगों ने खुद करने, इसके क्वेश्चन आंसर होमवर्क वर्क में आपने रिटर्न भी करना है और जो है वो लर्न भी करना है. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप खुद करोगे. नेक्स्ट आपका जो है आ जाता है, हाउ लॉन्ग विल फोसिल फ्यूल लास्ट. फोसिल फ्यूल कितने अरसे तक हमारे लिए ये बच सकते हैं. देखते हैं ये चार्ट दिया हुआ है कि जो ऑयल है वो तकरीबन 50 साल तक रह सकता है, यानी कि आज से 50 साल बाद 2070 तक. जो नेचुरल गैस है वो 70 साल तक तकरीबन बच सकती है 2090 तक. जो गैस है वो 250 ईयर्स तक बच सकती है 2275 तक. तो एक दिन ये एंड हो जाएंगे. फिर द टेबल शो हाउ लॉन्ग फॉसिल फ्यूल विल लास्ट. इससे पता चलता है कि कितने अरसे तक रहते हैं. ऑफ कोर्स मोर ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स मे बी फाउंडेड. नए जो है वो रिजर्वायर भी फाइंड हो रही हैं, बट इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस टू दीज प्रिडिक्शंस. You can see that oil and gas are likely to run out in your lifetime. तो हमारी lifetime में भी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. अच्छा, अब इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं. मेक द बेस्ट पॉसिबल कि अगर हम बचाना चाहते हैं तो यूज़ ऑफ एनर्जी वी गेट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल नाउ. तो फॉसिल फ्यूल से बेस्ट एनर्जी हमें मिल रही है. फाइंड अल्टरनेटिव फॉर फ्यूल्स ऑफ कोल ऑयल एंड गैस. तो अल्टरनेट हमें इनके सोर्स फाइंड आउट करना चाहिए. फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी वेयर फ्यूल्स डू नॉट हैव टू बी बर्न. तो जहाँ फ्यूल बर्न नहीं होता ऐसी हमें एनर्जी के सोर्सेज फाइंड आउट करना चाहिए. तो ये अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं. पेज नंबर है आपका 38 है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सप्लाई इन कूलर क्लाइमेट. ठंडे एरिया में आप एनर्जी कैसे बचा सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी को बचा के रखना. एनर्जी कंजर्वेशन मीन मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ एनर्जी सप्लाई इन कूलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. के ठंडे इलाकों में अपने एनर्जी का बेस्ट यूज करना, एनर्जी कम यूज करें, करने से आपको बेहतर माहौल मिल सके. इन कूलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज इम्पॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट फ्यूल इन द होम इन व्हीकल और इन इंडस्ट्री. तीन इलाकों में आप अपने जो ईंधन को वेस्ट नहीं कर सकते. वैन एनर्जी used for heating escape it
इज लॉस्ट इन टू द एटमोसफेयर, इट कैन नेवर बी रिकैप्चर्ड टू यूज अगेन. जब एक दफ़ा आप एनर्जी को यूज कर लेते हो तो एनवायरमेंट में चली जाती है और उसको दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते. ये देखें ना, होम इंसुलेशन इस तरह जो है वो बनाई जाए कि एनर्जी ज़ाया ना हो आपकी, मैक्सिमम एनर्जी. वो विंडोज देखें, दीवारें ऐसी हों, रूफ ऐसी हो, और फिर ये जो है ड्राफ्ट्स बनाए जाएं, ये जो डोर्स के नीचे से, यहाँ से भी आपकी एनर्जी बच सकती है फ्लोर और डोर से. इंसुलेशन हेल्प आप इसकी यूज़ कर सकते हो. इंसुलेशन का मतलब है कि हीट को ट्रांसफ़र ना होने दे, जाने ना दे एक जगह से दूसरी जगह. हीट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंसुलेटिंग द रूफ एंड वॉल ऑफ द हाउस. घर की दीवारों को उनको इंसुलेट कर दिया जाए जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बच सकती है. एंड द कैविटी ऑफ द वॉल विल बी फिल्ड विद मटीरियल. दीवारों की जो कैविटीज़ हैं वो ऐसी चीज़ों से भरी जाएँ जो आपको सच एज ग्लास फाइबर से और मिनरल वुड से, तो जो आपके इन चीज़ों एनर्जी को बचा सकते हैं. तो इंसुलेशन की जाए दीवारों को और रूफ को. उसके बाद विंडोज़ हैं, ये डबल ग्लेजिंग है. डबल ग्लेजिंग का मतलब है डबल जो है वो शीशे के जो है वो लगाई जाएं इसमें विंडोज़, जिसमें हवा ट्रैप हो जाएगी. हवा के ट्रैप होने से क्या होगा, फिर एनर्जी आपकी ज़ाया नहीं होगी. हवा जो है वो इंसुलेटर होती है, तो इससे आपकी हीट बच सकती है. ठीक है, डबल ग्लेजिंग. और बाज़ दफ़ा सेकेंडरी ग्लेजिंग भी यूज़ होती है. समटाइम सेकेंडरी विंडो इज एडेड टू द वन विंडो. वन विंडो में एक और विंडो डाल दिया जाता है जिसको सेकेंडरी, ये भी हमारी जो लेयर है वो भी हीट लॉस से बचाए. ठीक हो गया. तो इस तरह हम बेटा अपनी जो एनर्जी को बचा सकते हैं. फिर है आगे नेक्स्ट आ जाता है ड्राफ्ट एक्सक्लूडर. ये दरवाज़ों में होता है, लगाया जा सकता है साइडों पर भी, डोर के और नीचे भी, कि इससे भी जो है वो फ्लोर से जो है वो हीट लॉस ना हो. Drafts can often be stopped by fixing strips of plastic या foam के लगाए जाते हैं around the edges of door. दरवाज़ों के किनारों पर लगते हैं and windows पे लगते हैं. Strips which brush against the floor. ज़मीन के floor के साथ वो brush होते हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर air वगैरह अंदर या बाहर नहीं जाती. Fix along the bottoms of the door. This lets them open and close but stops कोल्ड एयर ब्लोइंग इन अंडर द विंडो. डोर, ठंडी हवा डोर के नीचे से अंदर नहीं जाती. ड्राफ्ट एक्सक्लूडर आर वेरी चीप होते हैं, लेकिन ये हमारी बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हॉट वाटर सिलेंडर जैकेट्स इन हाउसेज. हॉट वाटर जो है वो इज यूजली स्टोर्ड इन कॉपर सिलेंडर, क्योंकि कॉपर जो है वो कंडक्टर होता है बहुत अच्छा. सो हीट इज ऑल्सो इन सिलेंडर loses heat very quickly. तो आपके जो है वो होम जो है वो रूम है वो जल्दी से गर्म हो जाएंगे, especially in colder climate में. The immersion heater or boiler उनके साथ अटैच होते हैं, वो पानी को गर्म करते जाएंगे तेज़ी से और फिर वो वापस इसी तरह सिलेंडर गर्म होते जाएंगे, तो आपके रूम को हीट मिलती जाएगी. Covering the cylinder with a thick jacket filled with insulating material के साथ जो jackets होती है उसको cover होता है, slow down the heat loss. वहाँ से हीट लॉस कम होगा. टू सेव फ्यूल, द कॉस्ट ऑफ इंसुलेटिंग द हॉट वाटर टैंक कैन बी रिकवर्ड इन अ फ्यू मंथ्स. तो नेक्स्ट बेटा ये टेस्ट योर सेल्फ है, ये आप लोगों ने होमवर्क में करना है, खुद करना है. इनके आंसर इंशाल्लाह इसी टॉपिक में मिल जाएंगे. फिर ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन आंसर मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आपने इनके आंसर फाइंड आउट करके नोटबुक में लिखना है और लर्न भी करना. तो आज का हमारा आर्टिकल ख़त्म हुआ. ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.